सुपौल पुलिस ने एक ऐसे केस का समाधान किया जिसमें एक पति ने खुद अपनी ही पत्नी की हत्या की सुपारी दो अपराधियों को दे दी थी। आरोपी पति सहित दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हत्या में शामिल देसी कट्टा, मोबाइल और बाइक सहित कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। सुपौल के एसपी मनोज कुमार ने बताया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए इस मामले का समाधान हो पाया, जिसमें साफ तौर पर महिला के पति सुरेश चौधरी ने खुद स्वीकार किया कि वो अपनी पत्नी से परेशान हो गया था और इसी के कारण पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची। यही नहीं, उसने पत्नी की हत्या के लिए 50,000 रुपए की सुपारी भी अपराधियों को दे दी। लतौना में एक महिला की हत्या हुई थी, व्यवसायी के पत्नी की, जिसकी हत्या हुई थी और व्यवसायी ने खुद केस किया था। पुलिस अनुसंधान से स्पष्ट हुआ कि जो वादी है, जो व्यवसायी है, जो पति है, उसे स्वयं अपनी पत्नी की हत्या कराई थी। दोनों अपराधी पकड़े गए हैं। इसके संपूर्ण मामले को खुलासा कर दिया है कि पत्नी से हम बहुत परेशान थे, इस कारण से हमने हत्या की है। सर कितने में किलिंग दिया था? 20,000 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसने गोली मारी उसको 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पैसा दिया 20,000, उसमें से 1,350,000 रखा, दूसरा शेष राशि 6,500। क्या सब बरामदगी हुई है सर? कट्टा है जो कि बड़े बैरल वाला है, मोबाइल है, बाइक है, सीसीटीवी का फुटेज है और वो कपड़े जिसको पहन करके अपराधी घटना को कारित किया है, सभी बरामद। कितने लोगों की गिरफ्तारी? 3 गिरफ्तारियां हैं। सर इसमें किस बात को लेकर के परेशान था? इस पत्नी से पट नहीं रहा था, पिछले 4 साल से मनमुटाव चल रहा था और जिसके कारण इसका कहना है कि हम बहुत ऊब गए थे या तो स्वयं कोई घटना करते, इसलिए हमने बेहतर समझा कि पत्नी को ही रास्ते पर। जब सर दो इनको बच्चे भी हैं? दो बच्चे हैं, लड़की 13 साल की है और लड़का भी 6 साल। बच्चे कुछ खुलासा किए हैं इस बात को? बच्चे खुलासा नहीं कर रहे थे। संपूर्ण मामले का खुलासा पुलिस ने किया है क्योंकि पुलिस को कारण समझ में आ गया था, पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज हाथ लग गया, पुलिस ने मोबाइल का बातचीत का भी है जो विश्लेषण किया, तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्वयं है जो वादी ने स्वीकार कर लिया है। निश्चित रूप से बच्चे या परिजन है जो अब पुलिस के इस खुलासे को सपोर्ट करेंगे। सुपौल से कुणाल कुमार के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live India।